नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में, जिसमें हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री के सुपरस्टारों से जुड़ी कुछ स्पेशल खबरें। पहली खबर अक्षरा सिंह से जुड़ी है, क्योंकि अक्षरा सिंह का एक गाना बहुत जल्द आप लोगों के बीच आने वाला है। इस गाने का नाम है कवलेजिया ए बलमू। अगली खबर जुड़ी है अवार्ड फंक्शन से। इस बार के अवार्ड फंक्शन में फिर से निरहुआ की फिल्म और उनके फिल्मों को बनाने वाले मेकर्स और तकनीशियनों का जादू छाया रहा। पवन सिंह और खेसारी इस फिल्म में अवार्ड में दिखाई नहीं दिए, लेकिन निरहुआ, आम्रपाली और इंडस्ट्री के कई सितारे भी पहुंचे हुए थे। अगली खबर अंजना सिंह से जुड़ी है, क्योंकि वो भी इस अवार्ड फंक्शन में पहुंची थी अपनी बेटी अदिति के साथ। अगली खबर जुड़ी है रितेश पांडे से, जो अकेले ही आंध्र प्रदेश में एक नई फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां की तस्वीरें और खुशी रितेश पांडे ने शेयर की है। अगली खबर खेसारी लाल से जुड़ी है, क्योंकि खेसारी लाल और सुधीर सिंह से जुड़ी एक खबर सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि खेसारी समाज सेवा के जरिए और सुधीर सिंह युवाओं को खेल खिलाकर एक दूसरे को दे रहे हैं नाक की टक्कर। क्या है पूरा माजरा और अभी तक जितनी खबरें हमने आपको बताई हैं, उसे विस्तार से जानने के लिए डालिए नजर। बिहार के सियासत में इन दिनों नए नए काफी सारे चेहरे सामने आ रहे हैं। हर जिले में कोई नया उम्मीदवार सामने आ रहा है। इन उम्मीदवारों में खटास मिठास भी जोरों पर है। कुछ ऐसा ही हाल रहा छपरा जिला के महाराजगंज के दो नए उम्मीदवार सुधीर सिंह, जिनका कुछ ही दिनों पहले खेसारी लाल के साथ जमकर विवाद हुआ, जो अभी भी जारी है। सुधीर सिंह जिस पार्टी से अपने छोटे भाई को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, उसी पार्टी से पहले खेसारी लाल अपने परिवार के सदस्य को खड़ा करवाना चाहते थे, लेकिन सुधीर सिंह से विवाद के बाद खेसारी लाल ने राजनीति में ना आने का फैसला किया। लेकिन उसके बावजूद दोनों में अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है, क्योंकि खेल, क्रिकेट, कबड्डी, दंगल, कुश्ती करवाकर जहां सुधीर सिंह युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं, तो वहीं खेसारी लाल गरीबों की मदद के हर इंसान के दिलों में अपनी खास जगह बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में भी दोनों के बीच तानाकसी जारी है और अलग अलग माध्यम से ये दोनों अपनी अपनी फौज तैयार करने में जुटे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों की दोनों के वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खेसारी लाल जब भी अपने गांव महाराजगंज पहुंचते हैं तो उनके पीछे खेसारी भैया जिंदाबाद के नारे लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुधीर सिंह भी हमेशा कई लोगों और नेताओं से घिरे नजर आते हैं। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। इन दिनों सुपरस्टारों से ज्यादा फिल्म मेकर्स के डिमांड में नए कलाकार बने हुए हैं, जिस कारण सारी बड़ी बड़ी फिल्में नए कलाकारों को ही मिल रही हैं। अब देखिए ना, कल्लू का उदाहरण ही अगर ले लें तो एक महीने के अंदर ही ना जाने कितनी सारी नई नई फिल्मों का मुहूर्त कल्लू के लिए होता जा रहा है। उनकी हर रोज कोई ना कोई नई फिल्म सामने निकल कर आ जाती है। कुछ ऐसा ही आलम है रितेश पांडे के साथ, जो लगातार अपनी नई नई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। हाल ही में अक्षरा के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग को पूरा करने के बाद रितेश पांडे पहुंच चुके हैं आंध्र प्रदेश, जहां आज से उनकी एक नई फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। आज ही एक मंदिर में इस फिल्म का मुहूर्त किया गया। हालांकि फिल्म का नाम और फिल्म की हीरोइन का खुलासा भी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इस फिल्म से जुड़ी और भी जानकारी आपको मिल जाएंगी। जाते जाते बता दें कि रितेश पांडे की इस नई फिल्म प्रोडक्शन नंबर 9 के डायरेक्टर सुब्बा राव हैं। पहले शेड्यूल की शूटिंग आंध्र प्रदेश में ही की जाएगी। पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग आंध्र प्रदेश में हो रही है। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा की हॉट कपकेक अंजना सिंह इन दिनों अपनी नई नई फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। इसके अलावा अंजना सिंह इन दिनों अपनी बेटी अदिति के साथ भी खूब देखी जा रही हैं। अंजना सिंह किसी भी पार्टी फंक्शन में आजकल अदिति के साथ ही देखी जाती हैं। यहाँ तक कि बीते दिन पहले 13वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड में अंजना सिंह अपनी बेटी अदिति के साथ ही अवार्ड लेने पहुंची, जहां अंजना को मिला है बेस्ट पॉपुलर अवार्ड ऑफ 2018। इस दौरान अंजना भी ब्लैक ड्रेस में बड़ी खूबसूरत अंदाज में नजर आई। काफी हद तक आम्रपाली दुबे की ड्रेस के साथ अंजना की ड्रेस मिलती जुलती नजर आई थी। निरहुआ ने आम्रपाली के साथ फोटोशूट करवाने के बाद अंजना सिंह के साथ भी खूब सारे पोज दिए, लेकिन इस दौरान आम्रपाली अंजना से कटी कटी नजर आईं। तो वहीं निरहुआ भी अपनी बेटी के साथ पहुंचे हुए थे। अंजना और निरहुआ की बेटी आपस में काफी देर तक खेलते हुए नजर आई थी। इसी के साथ खास खबर ये भी है कि अंजना सिंह और निरहुआ की फिल्म सैया दगाबाज आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।
बीते दिन पहले मुंबई में ही 13वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड का आयोजन किया गया, जहां इंडस्ट्री के लगभग आधे से ज्यादा स्टार, तकनीशियन और इंडस्ट्री पहुंची हुई थी। इस अवार्ड फंक्शन के मौके पर सबके चेहरे पर खुशी देखी गई है। हालांकि कई लोग अवार्ड शो में नहीं पहुंच सके क्योंकि शूटिंग के मकसद से कुछ लोग मुंबई में नहीं थे, लेकिन इंडस्ट्री की जुबली जोड़ी एक साथ इस अवार्ड फंक्शन में शिरकत करते नजर आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निरहुआ और आम्रपाली दुबे की, जिन्हें इस साल मिला है 2018 का बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो वहीं उनकी जोड़ीदार आम्रपाली दुबे को भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इस बार भी हर बार की तरह दोनों एक ही रंग के कपड़ों में, ड्रेसेस में देखे गए। निरहुआ इस शो में अपनी बेटी अदिति के साथ पहुंचे हुए थे। कुछ देर तक अदिति को आम्रपाली के पास भी देखा गया। वह जाते जाते बता दें कि इन तीनों ने हाल ही में एक फैमिली फोटोज भी खिंचवाई, जिसमें आम्रपाली दुबे निरहुआ अदिति को गोद में लेकर दिखाई दिए। साथ ही निरहुआ के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं होगा कि स्टेडियम में बार बार निरहुआ और उनके फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 का नाम गूंजता रहा। निरहुआ हिंदुस्तानी 2 को बनाने वाले हर तकनीशियंस और फिल्म मेकर्स को खूब सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म की मृगनयनी आइकन क्वीन अक्षरा सिंह जितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं, जितना अच्छा गाना गा लेती हैं, उतना ही अच्छा खाना भी बना लेती हैं। कुछ दिनों पहले आपने अक्षरा सिंह की वो तस्वीर तो ज़रूर देखी होगी जिसमें वो फिल्म के सेट पर खाना बनाती नजर आई थी। उस तस्वीर को लेकर हाल ही में उनसे किया गया एक उनके इंटरव्यू में ही सवाल, जिसमें पूछा गया कि आप खाना सबके लिए बना रही थी या अपने लिए। इस बात पर अक्षरा सिंह ने कहा कि मैं पूरे सेट के लिए खाना बना रही थी, मैं घर में बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ और मम्मी पापा को खिलाती भी हूँ। अक्षरा के इन बातों के दौरान रितेश पांडे भी वहीं मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या अक्षरा ने कभी आपको खाना बनाकर खिलाया है, तो रितेश पांडे ने कहा, खाना तो नहीं, लेकिन एक बार इन्होंने मुझे मैगी ज़रूर खिलाई थी, लेकिन उस मैगी में बहुत ही ज़्यादा मिर्च थी। अक्षरा ने बोला कि मैंने वो मिर्च जानबूझकर ज़्यादा डाली थी ताकि आप उसे खा ना पाएं। तो वहीं इसी बात पर रितेश पांडे से भी जुड़ा एक खुलासा हुआ है कि रितेश पांडे अपने परिवार वालों के बीच सब्जी बनाते हैं। जब जब वो 3 से 4 महीने पर अपने घर जाते हैं तो अपने घर वालों को कुछ खिलाएं या ना खिलाएं, लेकिन सब्जी बनाकर ज़रूर खिलाते हैं क्योंकि सब्जी उनके हाथों से बहुत अच्छी बनती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। बीते दिन पहले मुंबई के 13वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड का आयोजन किया गया, जहां इंडस्ट्री के कई सारे कलाकारों और तकनीशियनों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुछ कलाकार अपनी फिल्म की शूटिंग के चलते इस अवार्ड शो में शामिल नहीं हो पाए। कुछ ऐसा ही हाल रहा इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल का, जिनके नाम पर इस समारोह में 2-2 अवार्ड तैयार किए गए थे, लेकिन अपना ही अवार्ड लेने खेसारी लाल फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होने के चलते लेने नहीं पहुँच पाए। जानकारी के लिए बता दें कि 2018 के लिए खेसारी लाल को बेस्ट पॉपुलर सुपरस्टार का अवार्ड मिला है और दूसरा अवार्ड मिला है बेस्ट गायक का अवार्ड, जबकि निरहुआ को इस साल सिर्फ बेस्ट एक्टर और निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के लिए काफ़ी सारे अवार्ड मिले। निरहुआ आम्रपाली तो इस अवार्ड फंक्शन में बड़े खूबसूरत अंदाज में नजर आए, लेकिन व्यस्त होने के चलते खेसारी लाल इस अवार्ड में फंक्शन में नहीं पहुंच पाए। खेसारी लाल के अलावा ना तो काजल राघवानी दिखाई दी और ना ही पवन सिंह। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्मों की सुपरहिट एक्ट्रेस, सुपरहिट सिंगर, हम बात कर रहे हैं अक्षरा सिंह की, जो इन दिनों अपने नए नए गानों से लोगों के बीच चर्चाएं बटोरे हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर सारे सिंगर्स को पीछे छोड़ अक्षरा सिंह ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई अक्षरा का गाना रिलीज हो रहा है। दर्शकों में आते ही वो गाने छा भी जाते हैं, कुछ ही दिनों में उस गाने के व्यूज़ बड़े आगे हो जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि एक बार फिर से ऐसा ही हुआ, क्योंकि अक्षरा सिंह का ये गाना आप लोगों के बीच जल्द ही आने वाला है, जिसे लिखा है मनोज मतलबी ने और हमेशा की तरह संगीत दिया है अविनाश झा घुंगरू ने। इस गाने के बोल हैं, कवलेजिया ए बल्लमू। इस गाने को अक्षरा सिंह ने खासकर कॉलेज के युवा वर्गों के लिए गाया है। हालांकि अक्षरा सिंह खुद कभी कॉलेज नहीं जा पाई, लेकिन इस गाने को सुनकर सारे युवा वर्ग अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा अक्षरा का कहना है। इसके बाद अक्षरा सिंह का एक और एल्बम रिलीज होने वाला है, जिसके बोल हैं, दबंग हसीना। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। आज के सुपरस्टार स्पेशल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही इंडस्ट्री और स्टारों से जुड़ी, सुपरस्टारों से जुड़ी तमाम खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।